जो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हो चुका है सहरी का टाइम और आज है पहली सहरी। अब तो रोज़ा रखने के लिए उठे हैं और जो है ना, उठते के साथ ही जो मुझे बुखार, रात से पूरी रात हो गई बुखार होते होते, इतनी बुरी हालत है, उठा ही नहीं जा रहा। मैंने तो सोचा हुआ था पता नहीं क्या क्या बनाऊँगी, क्या क्या करूँगी, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं कि उठ के सहरी भी बना लूँ। अभी चाय बनाने के लिए उठी और बहुत तेज़ शदीद बुखार हो रहा है। पहले ही रोज़े पे बुखार हो गया मुझे। इमरान कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पराठे पकाने के डर से बुखार हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे रमज़ान में तो बहुत खुशी होती है पराठे पकाने की। तो अभी जल्दी से वो कर लेते हैं, सारी चीज़ें बना लेती हूँ क्योंकि 3:30 तो बज रहा है, गैस भी चली जाएगी फिर। तो अभी मैं डिप करने वाली हूँ सिवैयाँ और ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी, और थोड़ी सी अगर खाएंगी तो इमरान खाएंगे, आयान तो खाएगा नहीं, पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा, तीनों ही खा लेंगे अगर खाएंगे तो। अभी पराठे मंगाए बाहर से, तो अभी थोड़ा टाइम है तो इसलिए चाय का पानी अभी नहीं रख रही। मैंने कहा सिवैया दूध फेनियाँ भिगो दूँ ताकि वो जल्दी से भीग जाए। मोरा है 3:30, ये देखें तो 5:10 पे, पता नहीं 5 बजे है अजान, तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है ना मैं चाय नहीं बना रही हूँ, 4 बजे बनाऊंगी चाय। और ये आ गई है दही, तीनों चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब मैं बनाऊंगी बस चाय, मगज़ रखा हुआ है, अगर इमरान खाएंगे तो खा लेंगे, लेकिन हम लोगों को आदत है कि सालन वगैरह हम लोग खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, ना इमरान खाते, ना मैं खाती, ना आयान खाएगा। वैसे रखा हुआ है सालन, अगर कोई भी खाएगा तो खा लेगा, क्योंकि खाना इतना लेट खाया हुआ था और मुझे इतना शदीद बुखार हो गया, गला दुखने शुरू हो गया, मुझे रात से ही फील हो गया था कि मुझे बुखार होगा, लाजमी होगा, अब उठा ही नहीं जा रहा। अभी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी है, एक घंटे पहले अभी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी हैं, जब कहीं जाके मैं थोड़ी खड़ी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ब्रोफेन सिरप पी के फिर ही रोज़ा रखूँगी ताकि सारा दिन बुखार ना हो, लेकिन मुझे लग रहा होगा क्योंकि मेरा गला बहुत शदीद वाला दुख रहा है गला। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे देंगे, रोज़ा तो रखना ही है, पहला है वो भी। तो हम लोग तो सोए ही नहीं थे बिल्कुल भी, हम तो जाग ही रहे क्योंकि मेरा बुखार इतना हो रहा था। इमरान साहब मेरे पट्टियाँ रख रहे थे और वैसे भी उनकी जो है ना, वो हम लोग सहरी में सोते नहीं हैं। आयान को उठा देती हूँ, आयान 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 रोज़ा नहीं रखना। आयान बहुत नींदों में, बहुत ज़्यादा नींदों में, इतनी देर में तो नींद आती है हम लोगों को। तो गाइस हो चुकी है मॉर्निंग बहुत देर से, और आज सुबह से मैंने घर को फैलाया हुआ था, पूरी सफाइयां की, पूरा घर क्लीन कर दिया, आयत को नहला दिया, खुद नहा ली, सारे काम सारे कर लिए। अब मैं जा रही हूँ किचन में, असर की नमाज़ हो चुकी है और मैं अभी फ्री हुई हूँ असर की नमाज़ पढ़ के। तो बस फिलहाल अभी देखते हैं अफ्तार में क्या क्या बनाना है, अफ्तार की तैयारी करनी है, असर की नमाज़ तो इतनी जल्दी हो गई है बस। तो सुबह से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल किचन में जा रही हूँ। ये देखें घर कर दिया क्लीन क्लीन, तो
अभी पिछले 2 घंटे से मेरे जो है ना छोले बॉइल हो रहे हैं, हो चुके हैं तकरीबन, आई थिंक हो चुके हैं। सब चीज़ें सारा दिन मेहनत करके बनाना कितना मुश्किल था और खाना कितना आसान है। इतनी जल्दी सब कुछ खा लेते हैं और पूरा दिन मेहनत करके बना। और मेरे आज जो है ना मैक्रोनी में मैंने बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है मैक्रोनी पहले दिन। और आयाना और मैं तो मुझसे मैक्रोनी ही खा रहा हूँ। आयान क्या खा रहे हो? मैक्रोनी अच्छी बनी है ना, बहुत टेस्टी बनी है। अब इसके ऊपर जो है ना पापड़ों का चूरा, तो वही मज़ा आएगा खाने में।
अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है मेरी मगरिब की भी नमाज, शुक्र है अल्लाह का, एक अफ्तारी हो गई है और जो है ना बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया रोजा रख के। पता ही नहीं लगा कि रोजा बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी, जरा सी भी भूख नहीं लगी है, शुक्र है अल्लाह का। इतना खूबसूरत मौसम है, इतना अच्छा, प्यास तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और अभी हालांकि मुझे सारा दिन बुखार भी रहा, उसके बावजूद भी मुझे प्यास नहीं लगी। और अभी इस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है। अब जो मैं लेटूंगी ना, बस फिर मैं नहीं उठूंगी। जो मेरी अंदर की हालत है ना, मैं जिस तरह काम कर रही थी ना, सब कुछ जाहिर से पता करना भी था, तो बस फिलहाल सुबह की सैरी की, इफ्तार की, सबकी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर भी की। और मैंने अभी जो है ना बनाने जा रही हूँ शाम की चाय, यानी कि इफ्तार के बाद चाय ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बस चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। और ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कॉमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। करते के साथ ही मैंने देखे किचन भी कैसा क्लीन कर दिया, बिल्कुल आया वहा नमाज पढ़ रहा है। आप क्या कर रही है, क्या कर रही है ये, क्या कर रही है, बिरयानी के साथ लेकर बैठी हुई है और खा नहीं रही है मैडम।